नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपीएससी इन जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन पर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें कि हम एमपी जीके को काफ़ी हद तक और वास्टली कवर करेंगे। आई एम सॉरी फॉर द डिले रिगार्डिंग द वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ के कारण ये वीडियो कुछ डिले हो गया है, बट आप इसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। आपका सिलेबस एग्जाम के पहले और सिलेबस के साथ ही ढेर सारे साइट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, जिसको कि हम इस बार जो एमपीपीएससी 2024 28 अप्रैल को होना है, ये आपका बहुत अच्छा जाए इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी, और सबसे पहले जो हमको देखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डील करने वाले हैं इस आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में, ये होगा हमारा अकेडमीज से संबंधित। अकेडमीज का मतलब आप समझ रहे हैं कि आज जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं इनको हम डील करेंगे। ओके, तो संस्थानों को समझने से पहले एक बात ये आती है कि क्या इनसे आज तक कोई क्वेश्चंस आए हैं, तो बिल्कुल आए हैं। प्रीवियस या क्वेश्चन बुकलेट्स को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार आपसे ये पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कालिदास संस्थान, एक सेकेंड, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कालिदास संस्थान, तो कालिदास संस्थान जो है ये किस जिले में स्थित है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो कालिदास उज्जैन में है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किस ईयर में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आप ये सोचोगे कि कुछ भी जो संस्थान आप पढ़ रहे हो क्या हर संस्थान इतना इम्पोर्टेंट होगा, नहीं। कई बार कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार के विशेष समारोह का आयोजन करवाते हैं, ठीक है, और जो संस्थान किसी समारोह का आयोजन करवाते हैं यदि उसमें करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यूनिक बात होती है तो हमको वो संस्थान याद होना इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तानसेन समारोह की, तानसेन समारोह आपको पता है ग्वालियर में आयोजित होता है ना, लेकिन इस बार की सबसे खास बात क्या रही, इस बार आपको पता होगा कि वहां पर एक साथ 100 तबला वादकों ने तबला वादन करते हुए एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साथ ये जो तानसेन समारोह था ये हमारा 99th नंबर का समारोह है। जी हाँ, यानी कि 2024 दिसंबर में जो समारोह होगा ये अपने आप में 100वां तानसेन समारोह होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। जैसे इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि तानसेन समारोह से क्वेश्चन आए, बट उम्मीद का मतलब ये नहीं कह नहीं सकते कि कंफर्म है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट अफेयर बनता है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अकेडमी की। अब देखिए वीडियो बाइलिंगुअल होगा, इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, ना हिंदी मीडियम वाले परेशान हो ना इंग्लिश मीडियम वाले। आप चाहो तो ये देख सकते हो, जैसे हम जो भी संस्थान को डील करेंगे उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है। पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको वहीं से इनकी पीडीएफ्स मिलेंगी। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर ये जो टेबल फॉर्मेट में आपके सामने इसको रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है ताकि आप अपने नोट्स में इनको जितना शॉर्टली प्रिपेयर कर सकें उतना फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। आप साथ में देखिए एक कॉलम आपको खाली दिख रहा होगा ट्रिक्स के रिगार्डिंग, मैं कोशिश करूंगी कि कुछ ट्रिक्स रिलेवेंट टू दी ईयर्स आपको मिल जाए। अगर मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो उम्मीद करूंगी कि यदि आपके पास भी कोई यूनिक ट्रिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हो। रहा सवाल डाउट्स के रिगार्डिंग, तो देखिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, आपको जो भी डाउट्स पूछना है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कीजिए। वीडियो अपलोड होने के ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स तक तो मैं ऑनलाइन रहती हूँ, और उसके बाद भी यदि आपको कोई ऐसा डाउट आता है जो आपको समझना है या कौन सा कैसा क्या प्रिपेयर करना है इसके रिगार्डिंग में आप कुछ पूछना चाहो तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो, आपको उसकी क्वेरी का रिजॉल्वमेंट जरूर मिलेगा। ओके, चलिए अब जैसे हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले किस पे, सबसे पहले जो अकेडमी हमको समझनी है वो है भारत भवन। देखिए भारत भवन की स्थापना अगर आप देखो तो प्लेस कहाँ आ रहा है, भोपाल आ रहा है, एंड ईयर आ रहा है 1982। अब देखिए अगर आप लोगों में से बहुत से बच्चे जिन्होंने रीजनिंग वगैरह प्रिपेयर की हो तो उन्होंने क्या देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि अल्फाबेट्स का नंबर का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, सच एज HB। देखिए आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर सारे ईयर्स क्या चल रहे हैं, 1900 में ही चल रहे हैं। क्या कोई ऐसा ईयर है जो पुराना जा रहा हो, अभी तक तो आपको ऐसा कोई ईयर नहीं मिला, जहां मिलेगा वहां की बात छोड़ दीजिए, पर मोस्टली जितने भी आपके 1900 के साल रहेंगे इस 20th सेंचुरी के जितने भी ईयर्स आप कवर करोगे कोशिश करेंगे कि उसको रीजनिंग के इस लॉजिक बेसिस पर कवर करें। तो ABCD में अगर आपने पढ़ी हो तो 8 लेटर से क्या आता है H और 2 से क्या आता है B, ठीक है, तो HB। अब देखो मुझे नहीं पता आपने में से कितने बच्चों ने इसको यूज किया या नहीं किया, जो पेंसिल्स होती है ना, क्या होती है पेंसिल में जनरली ये सब होता है 2B होता है, BY2 होता है, HB होता है, 4B होता है, ठीक है।
तो अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, पेंसिल से भारत का एक नक्शा ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? पेंसिल से भारत का एक मैप ड्रॉ कर रहे हैं आप। और ये मैप आपने कहाँ सोल्ड आउट किया है? भोपाल में। देखिए नाम से समझिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नाम भारत भवन है लेकिन एस्टेब्लिश कहाँ है? भोपाल में। दिल्ली ना चले जाइएगा, नहीं तो कई बार बच्चों से ये धोखा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, कालिदास एकेडमी की यदि मैं बात करूं, कालिदास सभी को मालूम है कि कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक है, अब देखिए 7-7 है ना, अगर आप लेटर बेसिस पे जाओगे तो क्या आएगा? जी। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक आप याद कर लीजिए जैसे आपने याद किया काली का दास है ना, जो भी व्यक्ति काली जी की पूजा करता है उसके साथ एक कॉन्सेप्ट है कि काली जी की पूजा कैसी होती है? सातों दिन। कैसे होती है? सातों दिन। या फिर आपने क्या याद किया कि काली जी को आप कैसे कहते हो? जी लगा करके ही संबोधित करते हो, कभी भी आप काली के उपासक नहीं कहते, आप कहते हो काली जी का भक्त है। करेक्ट, तो आपको क्या याद रखना है इसमें? जी आप इंक्लूड कर लोगे, है ना। अब कालिदास एकेडमी है कहाँ? उज्जैन में है, ये आपको पता है, बताने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए अधिकांश जो एकेडमीज आप पढ़ रहे हो आपके सिलेबस में सारी की सारी जो है ये भोपाल में ही सिचुएटेड है, ये देख लो आप, पूरी लिस्ट में यहाँ पे मेंशन है, सब के सब भोपाल में है। दो बस यूनिक एकेडमीज है, कालिदास एकेडमी जो उज्जैन में है और एक आपकी अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी जो मैयर में है, बाकी सारे संस्थान जो आप पढ़ोगे ये भोपाल में ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रविंद्र भवन, रविंद्र भवन भी कहाँ है? भोपाल में। अब इसमें क्या आ रहा है? 1969। तो अगर आप इसको देखो तो लेटर क्या बन रहा है? फाइव है ना। तो मान लीजिए रवि नाम का एक लड़का है और रवि नाम का लड़का कैसा है? हाई फाइव। क्या माना आपने? रवि नाम का एक लड़का है और रवि कैसा है? हाई फाइव। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है भाई कि आपने क्या याद कर लिया? ईयर हो गया 69। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में आती है मध्य प्रदेश कला परिषद, इसकी स्थापना हुई है 1952 में। अब ईबी, ठीक है, तो ईबी से आपका कोई वास्ता नहीं है, आपको कैसे याद करना है? देखो अधिकांश आपने सुना होगा जैसे श्री कृष्ण की हम बात करते हैं, श्री कृष्ण कितनी कलाओं में निपुण थे? 16 कलाओं में निपुण थे। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि श्री कृष्ण ने 16 कलाओं के बाद क्या किया? कलाओं की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी है? 52। सी ऐसा हुआ नहीं है, कलाएं 16 ही होती हैं, पर आप याद रखोगे कि कितनी कलाएं होती हैं? 52। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखोगे मध्य प्रदेश साहित्य परिषद है, दैट इज योर लिटरेचर काउंसिल है। इंग्लिश में भी लिख दे रही हूँ वरना इंग्लिश मीडियम के बच्चे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि मैम हमें तो कुछ मिला ही नहीं, है ना। सो यहाँ पे देखिए लिटरेचर काउंसिल है तो ईडी आ गया, ईडी आ गया तो ईडी से आपको यहाँ पे लिटरेचर है ना, तो लिटरेचर को आपको क्या करना है? ईडी से रिलेट करना है। अब जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो क्या जानते हैं लिटरेचर क्या होता है भाई? ईडी में बहुत सारा लिटरेचर होता है, एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारा उनको ड्राइंग रहता है और पूरा का पूरा जो मतलब पैटर्न्स होते हैं ये बताने पड़ते हैं। तो आपने कैसे याद किया कि साहित्य क्या है? तो इंजीनियरिंग का साहित्य क्या है? तो ईडी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी, इसका ईयर है 1979। 79 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? GI। ठीक है, तो अलाउद्दीन खान साहब है। अब मुझे ये बताइए कि अगर अलाउद्दीन खान साहब या मैहर में जो माता शारदा है अगर वो आपको बोले कि आओ आकर के संगीत सीखो, है ना, तो लड़कियां हमेशा कैसे जवाब देंगी? जी आई अभी आई। क्या जवाब देंगी लड़कियां? जी आई अभी आई। तो 1979 में आपकी क्या बनी है? अलाउद्दीन खान अकेडमी बनी है। तुलसीदास अकेडमी की यदि बात करें तो तुलसीदास अकेडमी जो है 1987 में, तो 1987 में बनी है। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो? तो देखो बेसिक जो इसका ईयर याद करना है, आई एम सॉरी फॉर माय कॉफ, तो 1987 है ना। तो अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि तुलसी एकेडमी भोपाल में सिचुएटेड है, 1987 में इसका स्थापना हुआ है, तो आप चाहो तो इसको बिल्कुल सिंपली याद रख लो, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंक्लूड मत करो। ठीक है, या जैसे देखो मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको मतलब रिलेवेंट कैसे करते हैं, जैसे मैं अपनी एक बात बताती हूँ कि मेरे एक परिचित हैं, इनका जन्म 1987 में हुआ है। ठीक है, मेरे जो परिचित हैं उनका जन्म 1987 में हुआ है, वो भोपाल में रहती हैं। ठीक, तो मैंने ये याद रखा कि जो मेरी 1987 में परिचित हैं और जिनका भोपाल में जन्म हुआ है उनके साथ क्या बात है कि भाई तुलसी, उनको तुलसी बहुत पसंद है। ठीक है, तो हमने कैसे याद किया था कि जो हमारी दीदी थी, है ना, हमारी दीदी जो है वो भोपाल में रहती है, तो हमने कैसे याद किया कि हमने इसको बोला कि तुलसी जो है वो उनको बहुत पसंद है। ठीक, नेक्स्ट तरीका क्या है? नेक्स्ट एकेडमी आप देखोगे मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी है भोपाल, 1985 में इसका क्रिएशन हुआ। ठीक है, तो आपने इसको कैसे याद किया? देखो अब तुम लोगों ने जैसे आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे अगर कभी मैसेज वगैरह करते हैं, आजकल व्हाट्सएप की लैंग्वेज काफी स्लिंग हो गई, स्लिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? IKR लिख देते हैं, है ना, आप IKR के अलावा आजकल और भी बहुत सारे चलने लगे हैं, जैसे ये चलता है
आई वाई के इफ यू नो यू नो, ये वाले सारे शॉर्ट फॉर्म्स बहुत चलते हैं। तो आपने कैसे बोला कि तुमको संस्कृत आती है? किसी ने आपसे पूछा कि बेटा संस्कृत आती है? तुमने कहा हाँ आती है के लिए तुमने क्या यूज किया? एच ई। चाहे तो याद करें ऐसे, नहीं चाहे तो कोई कंपल्शन नहीं है। इट इज टोटली अप टू यू गाइस कि आपको कैसे इसको प्रिपेयर करना है। देखो मेरा काम है कि मैं आपको एक ट्रिक दे रही हूँ अगर आप याद करना चाहो तो, क्योंकि कई बार बच्चों को नंबर्स में ही कंफ्यूजन होते हैं, है ना। हम लोग क्या होते हैं, स्टैटिक जीके पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैथ्स में थोड़ा सा गड़बड़ होती है। तो जिसको चाहिए वो ये ट्रिक इस्तेमाल करे, जिनको नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी की बात हो गई, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत सुन करके सीधा उज्जैन मत पहुंचिएगा, संस्कृत अकेडमी भी भोपाल में ही मानी जाएगी। इसके बाद एक म्यूजियम है, पुरातत्व एवं अभिलेखागार संग्रहालय, इसको मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं म्यूजियम्स को अलग से डील करूंगी, तो इसको यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे सिंधी अकेडमी। सिंधी अकेडमी भी कहाँ है? भोपाल में। अब देखो 8 और 3 है ना, तो मुझे ये बताओ क्या आपको पूरी की पूरी संस्कृत आती है क्या? आती है क्या? तो आप कहोगे अच्छे से नहीं आती। कैसे नहीं आती? अच्छे सी नहीं आती, अच्छे सी नहीं आती। क्या नहीं आती भाई? संस्कृत अच्छे से नहीं आती। अब सिंधी अच्छे से नहीं आती, तो आपने किसे याद किया? 8 या 3 शब्द ही हम बोल पाते हैं, किसके? सिंधी भाषा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजभाषा एवं संस्कृत संचालनालय, ये भी आपका कहाँ पर है? भोपाल में ही सिचुएटेड है। स्थापना की डेट इसकी आती है 1994। अब देखो डायरेक्टरेट, संचालनालय का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरेट। डायरेक्टरेट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। आप मुझे ये बताओ क्या किसी इंपॉर्टेंट जगह पे बिना आईडी कार्ड के जाने मिलता है? नहीं ना। तो कैसे याद किया? डायरेक्टरेट किस चीज का? संस्कृत का है, बट वहां पर क्या लगता है? आईडी कार्ड। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद। अब आदिवासियों की लोक कला, ठीक है, आपको ये तो पता है कि भाई भारत में बहुत सारे आदिवासी होते हैं, है ना। अब देखो इसको हमने कैसे याद किया? 8 के लिए हमने लिया H और 0 के लिए हमने लिया O। अब मुझे आप ये बताओ कि कई बार ऐसा होता है कि एक बिहार में, मैं बिहार कह रही हूँ सॉरी, झारखंड साइड में एक आपकी ट्राइब है, मैं नाम इस वक्त भूल रही हूँ, उनके यहाँ पे जैसे आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, देखी है क्या, है ना। चक दे इंडिया में जब उनको बोला जाता है हाँ बोलो, वो क्या बोलती है? हो। तुम्हारा नाम क्या है? सुईमुई। तो सुईमुई केरकटा, मैं इनकी वो भूल रही हूँ, ट्राइब भूल रही हूँ मैं, बहुत फेमस ट्राइब ग्रुप की आती हैं ये, और एक्चुअली में हॉकी प्लेयर हैं भी, हमारे इंडियन नेशनल टीम्स में रहे हैं, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, बट हाँ आप क्या याद रख सकते हो, जैसे वहाँ पे ट्राइबल्स होते हैं तो हाँ के बदले वो क्या बोलते हैं? हो। तो आपने क्या याद किया? आदिवासी लोक कला हो। हो से क्या बन गया? 8 O, दैट इज 80। देन आता है मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी। कौन सी अकेडमी? उर्दू। उर्दू अकेडमी कहाँ है? भोपाल में। 1976 में इसकी स्थापना हुई है, तो 76 मतलब, ठीक है। तो अब आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, तो जैसे आपने एक सुना होगा गुलाबी उर्दू, है ना, या आपने सुना होगा गुलाबी फिजा। ये हमारे जो उर्दू के बहुत ही फेमस राइटर है मुल्ला रामू जी, उन्होंने लिखी हुई है। तो आपने इसको कैसे याद किया? गुलाबी फिजा का शॉर्ट फॉर्म आपने लिया GF, और ये कौन सी लैंग्वेज में? उर्दू में, ठीक, ये याद हो गया। फिर एक आती है हिंदी ग्रंथ अकेडमी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969, ठीक। ये भी आपकी क्या है? FI से सिचुएटेड है। तो आप चाहो तो इसको और जो अभी हमने कौन सी एक अकेडमी पढ़ी यहाँ पे, रविंद्र भवन, इन दोनों को साथ साथ में याद कर लो। 1969 रवि जो है वो हिंदी के ग्रंथ पढ़ता है। कैसे याद कर लिया आपने? रवि जो है वो हिंदी के ग्रंथ पढ़ता है, और ग्रंथ पढ़ता है इसलिए बच्चा क्या होता है? हाई फाई। देखिए जीवन में हाई फाई बनना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ही आप क्या बनोगे? हाई फाई। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो आपके शॉर्टकट्स हैं इसके बाद अगर हम डील करें तो आप देखोगे कि अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, अकेडमीज। अकेडमीज में हमको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है मध्य प्रदेश की कला परिषद। कला परिषद का देखिए बेसिक सी चीजें समझिएगा, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, आप चाहो तो डील करो, आपकी मर्जी, बट देखिए कई बार क्या होता है राइटिंग पर्पज से अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है। तो 1952 में इसका आपने क्रिएशन पढ़ा। इनका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है भाई? इनका उद्देश्य है कि राज्य में संगीत, नृत्य और लोक कला को बढ़ावा मिले। परिषद हर साल 3 दिवसीय संभाग स्तरीय उत्सव का आयोजन करती है, और ये हर साल कहाँ होता है? खजुराहो समारोह, भेड़ाघाट और मालवा उत्सव का भी आयोजन करती है। मासिक पत्रिका कला वार्ता, ये इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान रखेंगे। एक मैगजीन है जो हमारी MP की कला परिषद जारी करती है, और इस मैगजीन का नाम क्या है? कला वार्ता।
क्या नाम है भाई मैगजीन का, कलावार्ता। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप की मैगजीन से क्वेश्चंस अब आने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरीके से पेपर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, आपके पास क्वेश्चंस के वेरिएशन अब आपको देखने मिलने लगे हैं, ठीक है। तो इसको इग्नोर आप नहीं करोगे। चलिए नेक्स्ट देखें। इसके बाद अगला है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। साहित्य परिषद का हेडक्वार्टर आपको समझ में आ रहा है भोपाल में सिचुएटेड है। 1954 में गठन हुआ था, याद कर रहा था ईडी, उसी से याद कीजिए। एपिक्स इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट एंड कंजर्व द लिटरेचर और टैलेंटेड लिटरेरी स्कॉलर्स। बहुत सारे उत्सवों का ये आयोजन करते हैं, जैसे कि केशव जयंती जो कि ओरछा में होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, पद्माकर समारोह, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह। देखिए समारोह की एक क्लास अलग से आएगी, उसमें आपको कौन सा समारोह किस जिले में आयोजित होता है उसके रिगार्डिंग पूरी ट्रिक्स वहां पर मिल जाएंगी। तो अभी इसको देख के बिल्कुल मत घबराओ कि मैम इतने सारे जिले हैं याद कैसे होंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। पहले जो चीजें हैं टॉपिक वाइज कवर करो, फिर उसके बाद हम लोग जिले पर भी बेसिक सीरीज लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके सारे जिलों में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट आप देखोगे कालिदास अकेडमी है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा। ये 1977 है, ये टाइपो हुआ है, इसके लिए माफी चाहूंगी, ठीक है। ये 1977 है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। 1977 में ही इसकी स्थापना हुई है, 57 में नहीं हुई है। और समारोह कौन सा आयोजित कराते हैं, तो कालिदास समारोह। नेक्स्ट आप देख रहे हो आदिवासी लोकल अकेडमी, सेम ईयर 1980, मैंने बोला था एचओ से याद करेंगे। उद्देश्य वही है कि जो भी हमारी लोक कलाएं हैं उनको हम बढ़ावा देंगे, और जनजातियों के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर एक पत्रिका ये भी प्रकाशित करते हैं, इसका नाम क्या है, चौमासा। ये कौन प्रकाशित कर रहा है सर, एमपी आदिवासी लोक कला प्रकाशित कर रही है। क्या प्रकाशित कर रही है ये पत्रिका, पत्रिका का नाम है चौमासा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें भारत भवन, भारत भवन की यदि बात करें तो 1982, हमने आपको बोला, आपने याद किया कैसे, एचबी पेंसिल से आप क्या बना रहे थे, भारत का नक्शा, ओके। 1982 में इन्होंने क्या किया, ये एपिक्स बॉडी बन गई है, प्लीज रिमेम्बर, ये एपिक्स मतलब एपिक्स बॉडी है। अगर आपको एमपी में कोई भी हाई फाई कल्चरल फेस्ट कराना है, आपको सीधा कहाँ जाना है, भारत भवन ही जाना है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके वास्तुकार पूछे जा चुके हैं, कौन है, चार्ल्स कुरियन, ठीक है, ये वही है जिन्होंने हमारे यहाँ का विधानसभा भवन भी बनाया हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखेंगे तुलसी अकेडमी। तुलसी अकेडमी की यदि बात करें, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने आपको बताया 1987 में ये क्या कर रहे हैं, ये रिसर्च भी कर रहे हैं, साहित्य का अन्वेषण, यानी रिसर्च देन कंजर्वेशन एंड देन पब्लिशन। अब देखो धोखा कहाँ होता है, समझना, अच्छे से समझना। मैंने आपसे बोला तुलसी, आपका दिमाग सीधे कहाँ पहुंच गया, चित्रकूट है ना, लेकिन संस्थान या अकेडमी कहाँ है, भोपाल में, और एक अलग से संस्थान कहाँ है, चित्रकूट में। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन क्या है, डिपेंडिंग ऑन दी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर प्रिपेयर होगा, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। ये मत बोलिएगा कि मैम आपने तो भोपाल बोला था, ऑप्शन में भोपाल था ही नहीं, तो हम कुछ और लगा के आ गए, हमारा आंसर गलत हो गया। या तो ऑप्शन में चित्रकूट होगा या तो भोपाल होगा, वरना दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी होता है तो, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे इसके बाद, यहाँ पे सॉरी, अच्छा अगले की बात ही नहीं रहेगी, यहाँ पे आपकी जो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि मैम लिस्ट में तो मैम बस लगभग 14-15 बॉडीज है, आपने डिस्क्रिप्शन सिर्फ 4 या 6 का रखा है। बिल्कुल इसलिए रखा है क्योंकि ये जो 4 से 6 बॉडीज हैं ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप काफी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इनके रिगार्डिंग जो भी आपको डाउट अभी आ रहे हैं, यदि आज के लेक्चर में कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, आई विल आंसर टू देम, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है, देखिए कई सारे सवाल उनका एक ही जवाब, हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी आपके नोटिफिकेशंस हैं, है ना, क्या होता है कई बार क्लासेस ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल एरर्स या किसी कारणवश अगर डिले होती है या पोस्टपोन होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो हमारे फेसबुक पेज से भी कनेक्ट हो सकते हो, यूपीएससी जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन से, ठीक है। टेलीग्राम पे बिल्कुल मतलब आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10th जनवरी से मेरी कोशिश है कि टेलीग्राम पे भी आप लोगों के लिए जो है क्विज
डाली जाने लगेंगी, जिससे कि क्या है कि आप प्रिपेयर करो, यहाँ से पढ़ के जाओ, वहाँ पर क्विज का आंसर दो, है ना। ऐसा नहीं है कि चैनल पर आपके क्लासेस नहीं होंगी, चैनल पर भी एमसीक्यू पैटर्न्स की क्लासेस भी होंगी। और करंट अफेयर्स के लिए एक चीज़ ये रहेगी कि करंट अफेयर्स जो है देखते हैं कि वीकली में, या फिर जो आपके क्या कहना चाहिए इसको हमको, कि 15 दिन का जो करंट अफेयर्स है, इन दोनों में से कोई एक पैटर्न पर आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। सो डोंट बॉदर अबाउट इट, प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।